एकम्स कंपनी ने अपनी एक फैक्ट्री को कोविड केयर सेंटर में किया तब्दील। हरिद्वार के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल में आज एक निजी कंपनी ने कोविड मरीजों के लिए सामने आकर मदद का हाथ बढ़ाया है। सिडकुल में सबसे बड़ी दवा कंपनी एकम्स ने आज अपनी एक फैक्ट्री को कोविड सेंटर में तब्दील किया। कंपनी ने अपनी एक यूनिट में 250 बेड का कोविड केयर सेंटर शुरू किया है। इस कोविड केयर सेंटर में कोरोना के गंभीर मरीजों को छोड़कर अन्य कोरोना संक्रमितों को आइसोलेट किया जाएगा। इस सेंटर में वैसे तो गंभीर कोरोना मरीज नहीं रखे जाएंगे, मगर यहां भर्ती किसी मरीज की हालत बिगड़ने पर यहां ऑक्सीजन का इंतजाम किया जा रहा है, जिसके लिए जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ऐसे मरीजों के लिए यहां तैनात रहेगी। फिलहाल कंपनी ने सेंटर में 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था भी की है। हरिद्वार जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जबकि हरिद्वार में चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी है। ऐसे में हरिद्वार के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में दवा बनाने वाली कंपनी एकम्स ड्रग्स ने अपनी एक फैक्ट्री को कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया। नव भारत समाचार हरिद्वार उत्तराखंड से अनिल कुमार। 20 बेड तो हम लगा चुके हैं और 130 बेड हमारे पास रेडी हैं। हमारा सोचना है कि शायद उनकी जरूरत ना पड़े, अदरवाइज 250 बेड ये तुरंत चालू हो सकते हैं। उसमें खाने पीने का इंतजाम है, सुबह से लेकर शाम तक का सभी अरेंजमेंट जो भी एक कोविड पेशेंट को चाहिए होते हैं, जो नॉर्मल एसिम्प्टिक जो जिनको कम सिम्टम्स होते हैं वो वाले पेशेंट्स के लिए सारा अरेंजमेंट इसमें किया गया है। इसका बेसिक पर्पज़ है कि हरिद्वार क्षेत्र में खासतौर पर इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत से लोग अकेले रहते हैं, और अगर उनको कोई संक्रमण हो जाता है तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है घर पर अकेले रह के आइसोलेशन में जाना, और हॉस्पिटल्स में बेड की बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है। तो उनको सोच ध्यान में रखते हुए हमने ये सेंटर यहाँ पे चालू किया है। यहाँ पे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती जाएगी उसके अकॉर्डिंगली रहेंगे, और हमारे को सरकार की तरफ से भी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मिलेगा। अदरवाइज़ हमारे पास भी करीब 14-15 पैरामेडिकल स्टाफ और 2 डॉक्टर्स हैं क्वालिफाइड, तो उनकी भी व्यवस्था यहाँ पे रहेगी जैसे जैसी जरूरत है। ऑक्सीजन की व्यवस्था हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, लेकिन हम लोग मेडिकली हमारे को अलाउड नहीं है कि हम सीधा ऑक्सीजन देना शुरू कर सकें। तो अगर गवर्नमेंट की टीम रहेगी तो हम ऑक्सीजन की व्यवस्था जो है वो उनको पेशेंट को दे सकते हैं। डीएम साहब ने या सीएमओ साहब ने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको जो भी आवश्यकता पड़ेगी वो सारी सुविधाएं हम यहाँ पे सुविधाएं मतलब स्टाफ की और एडवाइस की जो भी सुविधा होगी वो हमें देंगे। बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी व्यवस्थाएं वो हम अपने खर्चे पर करेंगे और एकम्स के फंड से ही करेंगे। जो कोविड के गंभीर पेशेंट है उनको छोड़कर बाकी सबको जी जी बिल्कुल ठीक बात है। कोविड के गंभीर पेशेंट यहाँ नहीं लिए जा सकते, नॉर्मल पेशेंट्स को यहाँ पर लिया जाएगा और उनकी पूरी केयर की जाएगी। 10-12 दिन के बाद जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे वो अपने स्थान पर जा सकते हैं।